अपना सा लगने लगता है अगर अपनों का साथ हो वहां। जब तक तुम लोग थे मेरे आसपास, सब कुछ अपना अपना था। जमीन पे चलती थी तो लगता था उड़ रही हूं आसमान में तुम तीनों के साथ। दुबई की तेज सड़कों पर भागती तेज गाड़ियां, तेज तेज जिंदगी, जूम जूम और तेज और तेज। कभी लगा ही नहीं कि थोड़ा थमना भी चाहिए, कहीं रुकते, थोड़ी सांस लेते। पर जब रफ्तार में ही मजा था तो क्या करते हम रुककर। मुझे मालूम है हम सब खुश थे, सचमुच में खुश। आई नो वी हैड प्रॉब्लम्स बट व्हाट द हेल, वी वर हैप्पी एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। आई रिमेम्बर हम में से किसी ने कहा था इज इट फॉर रियल, मैंने कहा क्या यही, ये हम चारों का साथ, ये हमारी दोस्ती, ये मौज मस्ती, इज इट अ ड्रीम और इज इट फॉर रियल। व्हाट इफ वी वेक अप वन फाइन डे एंड फाइंड आउट दैट इट वॉज नथिंग बट वन बिग ड्रीम। और फिर सब कुछ बदल सा गया, इस पराए देश में सब कुछ पराए पराए सा हो गया। हम सब अलग हो गए, किसकी गलती थी किसकी नहीं पता नहीं, पर सब कुछ रुक गया। जैसे हम कोई खेल खेल रहे हो और किसी ने कह दिया हो कि स्टॉप, खुशियां स्टॉप, जिंदगी स्टॉप, रफ्तार स्टॉप, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। Hi. Here comes the star of the show, Tina. Oh, come on, ma'am. Tina, meet Mr. Baba, director from Mumbai. Good to Hello. See you. Hello. Tina, you were amazing today. Amazing. Thank you, ma'am. Excuse me. Sure. काफी दिनों से सोच रही थी तुम्हें लेकर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊं। बट दिल में कुछ डाउट्स थे, लेकिन आज सब क्लियर हो गए। वो कहते हैं ना थिएटर लैंग्वेज में, आसमान के काले बादलों को चीर कर सूरज की किरणें आ गई हैं। Let's go for dinner. वहां चलकर अगले प्रोजेक्ट की बातें करते हैं। And believe us, this one is going to be a kick-ass thing. Yeah, ma'am, I'd really love to, लेकिन आज नहीं, maybe tomorrow. Tina, I'm so sorry, ma'am, लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ. I'll see you tomorrow, okay? Bye, sir. Bye. Artist में अगर attitude ना हो तो वो star कभी नहीं बन सकता. And she sure is star material.
pillow bust is 24. I don't want high side slits. Okay, write it down. Sure. Okay. What one? Oh shit, Tina's phone. Two minutes silence, please. I hope you don't mind. What? हाँ बोल, मैं drive कर रही हूँ. Oh yeah? जरा horn बजा कर दिखा. You and your dirty tricks. And you and your dirty habit of getting late. मैं बस अभी निकल ही रही थी यार. Sonia, जल्दी कर यार. तू पहले से ही late हो चुकी है. अरे तो 10 तक गिन, मैं तेरे सामने होंगी. ए सुन, धीरे धीरे गिनना. Okay. And I want a slightly deeper neckline. Yeah. Good. हम बाद में बात करते हैं. बाद में? क्या कहा बाद में? I don't have time for बाद में. Such an important party. All of Dubai is happening. People are going to be there. Yeah, that is why हम बाद में बात करते हैं. इतने important function की dress के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा. You know, थोड़ा yoga, थोड़ा meditation, deep breathing. Yeah. Okay. Good. Yeah. See. Yeah. So I'll see you tomorrow. Around the close of boutique. Okay. Wow, yoga and meditation just for deciding my dress. Wonderful. Hi guys and girls, welcome back to Wednesdays. Me, aapka apna Desi Paltu channel Radio Hum. Agla phone aaya hai Sharjah se Mr. K. Dukal ka. Ya Dukal saab, hello. Hello, Pooja. Haan Dukal saab, main aur saari shrota betaa bhej jaane ke liye ki aap hamare saath kya share karna chahte hain. Pooja, main bada pareshan hoon. Main pyar karta hoon ji. प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशानी क्या है? ओ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं जी? ओ साड़ी परेशानी है कि मैं तीन तीन कुड़ियों के साथ में एक साथ प्यार करता हूँ. अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ. तू तो गई पूजा. That's strange, ये हुआ कैसे? ओ जी, हुआ यूं कि पहले थी जैसी, तो मैं उसे मिलने उसके कॉलेज चला गया. जैसी पड़की हुई थी, उसकी चीख सुनकर उसकी बड़ी पैंट डॉली भी आ गई. और फिर? फिर क्या, लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है. मैंने डॉली के साथ लव एट फर्स्ट फाइट हो गया. देखिए जी आप. ओ जी, देखने दिखाने के चक्कर में ही तो फंस गया मैं. ओ जी, डॉली मेरा कान फाड़ के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास मैंने ले गई. अब इसमें मेरी की गलती सी की, तुसी दसो. आपको सिर्फ इतना करना है कि दिल में डिसाइड कीजिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं. वो तो डिसाइडेड है, पर मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि जो करना है वो किसके साथ करूँ. ओ जी, जस्सी के साथ, डॉली के साथ, या वो प्रिंसिपल के साथ? शांति से बैठकर सोचिए, आपका जवाब आपके दिल में है. अब सुनते हैं. मेरी गलत पूरी सुन लो जी पूजा जी. वक्त बहुत कम है, जिंदगी है दो दिनों का मेला, और मेले में सुनने लायक है रेडियो हम. अकेला रेडियो हम, परदेश में एक छोटा सा देश. Wow. So, I'm sorry. Wow. Don't worry. Sorry, you must stand by school is banana. तुम्हारा भी पोस्टर लगेगा. तुम्हारे शो का भी पोस्टर लगेगा कभी ना कभी वहां. Touch wood. पूजा, तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था. फोन लेने के लिए रुक गई थी. कमोन गो लेट. ओ गॉड, आई बेट ओ मिस वक्त इन सिजलर्स की तरह होगा. गुस्से में खूब सारा धुआं छोड़ रहा होगा. हाउ मीन, तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है क्या? पर वो है नहीं यहाँ. Hey, let me just go and check, okay? Excuse me. Shame on us. Birthday boy की शाम खराब करने का संगीन इल्जाम है हमारे सर पर, और वो भी तब जब उसकी बर्थडे ट्रीट हम देने वाले थे. पूजा, सिलेक्ट पनिशमेंट यार. तू अगले 5 मिनट तक चुप रहेगी. और तेरी पनिशमेंट, तू रोएगी नहीं. काउंटर पर भी मैसेज नहीं छोड़ा. Now what? देख, हमने हमारा पनिशमेंट सोच लिया है, अब तेरी बारी है. तू एक काम कर, ओम को फोन कर और पूछ कहाँ है वो. वाह, मेरी ही गर्दन मिली थी कटवाने को. मैंने करी फोन. पूछना कहाँ है, पूछना. स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया. एक्चुअली वो पेरिस में भी हो सकता है. इडियट्स, घर के अलावा और कहाँ होगा वो. तो चले, फेस तो करना पड़ेगा ना यार. ओके. हियर गोस. बस यही. ग्यारह दिरहम जनाब.
ऐसे भगा के लाया हूँ, टैक्सी कम, हवाई जहाज का किराया मिलना चाहिए। रखिए 15 रखिए। सर सर, अरे सर आपका हेलो तो लेते जाइए। ओ थैंक्स। सर परेशान हो? आपको कैसे पता? तजुर्बा। आपका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आपके जेब में बम रखा हो और अभी फटने वाला हो। अरे फटने वाला क्या, अब तक तो फट चुका होगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलने का टाइम रखा था लेकिन ऑफिस में जरूरी काम की वजह से जा ही नहीं पाया। तीनों एक से एक खतरनाक बिल्लियां हैं, पटक पटक कर मारेंगी। बिल्लियों का सामना अगर चूहा बनकर करोगे तो पिटोगे। शेर दिल बनकर जाओ सर, शेर दिल बनकर। हाँ थैंक यू। अरे भाई नारी तो एक ही भारी होती है और दो चार मिल जाए तो कटारी। कहीं यही तो नहीं वो तीन बिल्लियां? लेकिन ये तो खुद डरी हुई लग रही हैं। ये क्या खाक शिकार करेंगी? मर गए। देखो मैं वो ओम, वी आर वेरी सॉरी ओम। सॉरी? हम जानबूझ के लेट नहीं हुए थे, एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी ओम। हमारी बस यही गलती थी कि हमें तुम्हें फोन करना चाहिए था। बट वी नेवर एक्सपेक्टेड कि तुम हमारे आने से पहले ही चले जाओगे। नहीं हम तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तुम भी कितना इंतजार करते ना ओम। हाँ। कुछ तो कहो ना ओम, तुम्हें हमें डांटने का पूरा हक है। हक? कैसा हक? अरे अगर हक होता तो मुझ बेचारे को उस रेस्टोरेंट में 1.5 घंटे तक बिठा कर नहीं रखती तुम लोग। 1.5 घंटा? पर हम तो सिर्फ 1 घंटा लेट थे। वो एक एक मिनट 1.5 मिनट के बराबर लग रहा था, तो मैम 1 घंटा 1.5 घंटे के बराबर हुआ कि नहीं? ओम तुम तो बहुत ही बोर हुए होगे ना वहाँ पे। बोर? अरे 7 कप कॉफी पीना किसे कहते हैं? डोंट टच मी, डोंट टच मी, मैं गुस्से में जल रहा हूँ इस वक्त। अपने बॉस से लड़ झगड़ कर मैंने छुट्टी ली तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए, और तुम लोग? हे भगवान मैंने क्या पाप किए जो ऐसे दोस्त दिए मुझे। डिस्गस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग। कुछ ज्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं लगा हूं, नॉर्मल नहीं था। कम ऑन या, हक बनता है उसका, हर्ट हो गया होगा बेचारा। मुझे तो उसकी आंखों में आंसू भी नजर आए। I love this. I simply love this. Thank you God. आज कंफर्म हो गया कि आप हो ऊपर। मस्त एंजॉय कर रहे हो और मुझे भी करा रहे हो। ए पूजा, तू ही मना ना उसे। इमोशंस के मामले में तू ही उसे मैच कर सकती है। हाँ? दोबारा उसके सामने जाऊंगी तो मैं ही रो पड़ूंगी। अरे तेरा यही वेपन तो उसे कंट्रोल करता है, जाना जा। नहीं मेरे प्ले को भी आज ही लेट शुरू होना था। आई फील लाइक किकिंग माय ऑर्गेनाइजर्स एसेस। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे यार एक आर्टिस्ट की ट्राउजर खो गई थी और वो इडियट्स एक मैचिंग ट्राउजर भी अरेंज नहीं कर पाए। ओम तुम अब भी नाराज हो? नो इट्स ओके, आई रियलाइज की गलती हुई है तुम लोगों से, तो क्या मुझे अपना दिल बड़ा करके तुम लोगों को माफ कर देना चाहिए। हाय ओम, रजत या, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज ऑफिस में मीटिंग लंबी चलने की वजह से तुम लेट हो गए। इट जस्ट स्लिप माय माइंड कि तुम्हें जल्दी जाना था। सॉरी फॉर स्पॉइलिंग इट। टेक केयर बडी, बाय। देखो पूजा, सोनिया, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें बताने वाला था कि लिसन, आई एम द बर्थडे बॉय और बर्थडे के दिन किसी की पिटाई। हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हाँ? हेलो, हाउ आर यू? कहाँ को? ऑफिस और कहाँ? तुम तो ना तैयार नहीं अब तक, हाँ? नहीं, तुम तैयार हो ना? इट्स ओके। क्या बात है, तुम लोगों को आज काम पर नहीं जाना? वो क्या है ना ओम, कि मेरे प्ले के रिहर्सल्स, सोनिया का बुटीक, पूजा का रेडियो स्टेशन, छुट्टी के दिन तो नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं। ओ, हैं? चलो चलो कहीं चले, चलो चलो जागो ना। नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो छोड़ो सोने भी दो ना। नहीं नहीं जाना मुझे, सबको जगाना मुझे, घर का काम भी तो होने दो। ओ ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी। कर पाएंगे हम, हाँ एक दिन सिर्फ 24 घंटे क्या क्या कर पाएंगे हम। 24 घंटों में शॉपिंग जी भर के कर लेंगे हम, दिन के हर ख्वाब को पूरा कर लेंगे, झिलमिलाती हुई खुशियाँ ले लेंगे। अरे बस करो बस करो, चलो कहीं और चले, शॉपिंग की बात अब रहने दो। ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी, ओ ओ अभी नहीं और कभी। अपना है अब हर एकदम, हर पल अपना है यारों, अपना है अब हर एकदम। जितनी मस्ती है करनी उतनी कर जाएंगे हम, छोड़ के सारी दुनिया को पीछे पीछे, आसमानी कदमों के नीचे नीचे। छुट्टी अब करें तो करें क्या, चलो चलो हम भरें रोशनी से हर लम्हा। रुके नहीं रुके नहीं, अब भी है झुके नहीं, थोड़ा मजा और कर लेने दो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अभी नहीं और कभी, 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 ओ ओ अभी नहीं और कभी। Up, lift, and up. Shut up, man. Let me work out. One, Moti. Two. You, Moti. Hello. हाँ, कैसी है तू? ISD है, काम की बात करो. मामा मैं ठीक हूँ. आप लोग कैसे हैं? सोनू कैसा है?
नमस्ते आंटी। नमस्ते सोनिया। टीना आंटी, आपने फिर नहीं पहचाना। अब क्या करे बेटा, ये इतनी दूर से आवाज पहचानने में मुश्किल हो जाती है। इसीलिए तो कहती हूँ, टीना सोनिया तुम शादी कर लो और आ जाओ यहीं पर। सुमी, मतलब की बात कहो। जी जी। पूजा बेटा, जरा ध्यान से सुन, वो जो सलवार कुर्ता भेजा था ना, वही पहन कर जाना। और हाँ, साथ में दुपट्टा भी लेकर जाना। हाँ, उससे कहो ज्यादा मेकअप ना करे। हाँ, ज्यादा तड़क भड़क करके मत जाना। एक मिनट मम्मा, एक मिनट, सलवार कुर्ता पहनकर कहाँ जाना है? अंदर जाओ। सलवार कुर्ता पहनकर अंदर जाना है? हाँ, अरे ये तो सोनू को बोल रहे थे। और कहाँ जाऊँ का क्या मतलब? लेटर नहीं मिला तुझे? कौन सा लेटर? इसका मतलब तो तुझे कुछ मालूम ही नहीं होगा। लो, कर लो बात। क्या मालूम नहीं है मम्मा? अरे वो वर्मा जी है ना, वो बैंक मैनेजर, जिनके बैंक से तेरे पापा ने कार के लिए लोन लिया था, उनका बेटा है राहुल। बीए है और कंप्यूटर कोर्स करके दुबई में ही कुछ कर रहा है। सीए है। हाँ, बीए भी है और सीए भी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर तेरा हाथ मांगा है। लेकिन मामा। पूजा बेटा। पूजा। जी पापा। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारे मोबाइल पर राहुल का नंबर एसएमएस कर दूंगा, उसे कोऑर्डिनेट कर लेना। पापा। बस, मुझे तुम्हारी हाँ ही सुननी थी। जल्दी बात करो, आईएसडी है। पूजा। अरे मेरे रीडिंग ग्लासेस देखे किसी ने? बेटा, ये आवाज किसकी है? कोई है क्या वहाँ पर? नहीं आंटी, एक्चुअली गलती से टीवी ऑन हो गया था, रिमोट पे हाथ लग गया। पूजा, बेटा बड़े भरोसे के साथ भेजा है तुझे वहाँ। कल कहीं लोगों को ये कहने का मौका ना मिले। और भेजो जवान बेटी को बाहर। बाकी तो खुद समझदार है। रखती हूँ। बाय माँ। ओम, तू 2 मिनट अपनी चोंच नहीं बंद रख सकता था क्या? अरे पर मुझे क्या पता था कि, लेकिन बात क्या है? पूजा, अगर तेरे पेरेंट्स तुझे इतना फोर्स करें तो तू हाँ क्यों नहीं कर देती शादी के लिए? बुलंदशहर का नाम सुना है? हाँ, बस तेरे मुझसे सुना है, बाकी तो नहीं। इतने अनजान और छोटे से शहर की हूँ मैं। सोचो वो सपने कितने बड़े होंगे जिन्होंने एक छोटे से शहर के एक ऑर्थोडॉक्स परिवार की एक दब्बू सी लड़की को इतना खींचा कि वो शहर ही क्या देश छोड़कर आ गई। एंड बिलीव मी, वो सपना शादी का नहीं था। डोंट वरी यार, तू जाने ही मत उसे मिलने, अपने आप बात ठंडी हो जाएगी। हाँ, कह देना सीढ़ियों से गिर गई। या ये कह देना कि सीढ़ियां बिल्डिंग से गिर गई, तू टॉप फ्लोर पर रहती और नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम लोग मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते हो। अगर मैं कल वहां नहीं गई ना तो सब कुछ छोड़कर 3-4 दिन में मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा। ए पूजा, ये कलर चलेगा क्या? माय माय, वाओ। ए पूजा, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। कैसा रिस्क? तू इतनी सुंदर लग रही है कि कहीं वो कंप्यूटर वाला तुझे देखते ही अपनी लाइफ के कीबोर्ड में एंटर ना दबा दे। शट अप। ओके पूजा। वाओ, सी, इम्पॉसिबल, वो तुझे मना कर ही नहीं सकता। उसे एक टिपिकल इंडियन बहू चाहिए ना, तो तू एक काम कर, एक स्लिट वाली ड्रेस पहन के चली जाओ उससे मिलने। बल्कि तू सलवार में ही स्लिट कर दे। अगर तुझे वो देखकर बेहोश ना हो जाए ना, तो मेरा नाम भी टीना नहीं। स्टॉप या। अरे भाई, किस चीज के लिए स्टॉप? ओह माय गुडनेस, वाओ। अरे अरे, पर मैं तो सिर्फ एवरीबॉडी आउट। अरे भाई, मैं तो तारीफ कर रहा हूं यार। कम ऑन, डोंट गो आउट। ओह माय गॉड, क्या हुआ? डोर नॉब टूट गया, हाथ में आ गया, दरवाजा खोलो। क्या? अरे डोर नॉब हाथ में आ गया मेरे। ओह नो, खोलो। इट्स स्टक। यू मूव, लेट मी ट्राई। पूजा, पूजा पुल, खोलो ना। ओके पूजा, मूव मूव मूव, होम इज कमिंग, ही इज पुशिंग द डोर। ओके। हम लोग ट्राई करते हैं, चल। या खोलो ना।
ओह माय गॉड, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, अगर मैं लेट हो गया तो इसका दरवाजा खोले ना खोले मेरा बॉस मेरे लिए ऑफिस का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देगा। गॉड इज ग्रेट, ऊपर बैठे बैठे सिग्नल दे रहा है कि पूजा को उस लड़की से मिलना नहीं चाहिए। ओम, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। माँ तो मार ही डालेगी, कभी विश्वास नहीं करेगी ऐसा कुछ हुआ था। कम से कम एक फोन तो कर दो। मिस्टर राहुल, या मैं पूजा बोल रही हूँ। मैं ना एक्चुअली मैं एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गई हूँ, तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज डोंट माइंड। हाँ हाँ हाँ, आई एम डेफिनेटली कमिंग, यस ओके बाय। आज तो बुरी फंसी। सोनिया, ये ओम ने बुलाया कि नहीं किसी कारपेंटर को? या आई डोंट नो। हाय सोनाली। हाय, मैसेजेस तो ले लो। ओह थैंक यू, यू आर लुकिंग नाइस। ओह थैंक्स। ओ बत्रा साहब, की हाल है तुसी? ओए बेड़ा गर्क। ओ यार तैनू किन्नी बार दसिया, तुसी नहीं हुंदा, तुहाडा हुंदा है। ओए तू तां ना पंजाबी दा मर्डर कर देना यार। ओए माफ शाफ कर दो यार शाफ। ओ तेरी गलती नहीं है, इस साले दी तां फ्लॉपी ड्राइव ही खराब है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओ मोहित, हाय। हाय, कब आए? लास्ट नाइट। हां हां यार, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। रियली? It smells amazing. माँ के हाथों का बनाया हुआ अचार, वो गाजर गोभी शलगम, आहा। It is amazing. Wow. ओ ये मेरे लिए गिफ्ट है, कोई कंपनी का डिविडेंड नहीं है जो शेयर करने आ पहुंचे। मुझे भी। Enough यार। Wow. थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। ये लो। Thanks यार। Thanks anyways. Yummy. हाय रोहित। हाय। फनी गाय, कुछ लोग समझते हैं कि ऑफिस में घर जैसा एटमॉस्फेयर बनाकर काम अच्छा होता है। पलंग बिस्तर भी साथ ले आता तो और भी अच्छा होता। चले। सोनिया, मुझे डोरबेल सुनाई दी। दरवाजे पे कोई है क्या? देखो तो। तू इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में है ना पूजा, कि थोड़ी देर में तुझे भगवान भी दिखाई देने लगेंगे। और टीना कहाँ है? वो भी कारपेंटर को ढूंढने गई है क्या? नहीं, ओम कारपेंटर को ढूंढने गए, टीना तो कहीं और गई है। इसे बता दो कि टीना कहाँ गई है, तो ये दरवाजा क्या दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगी। Get me cup of tea. हिंदुस्तानी हो सर? Yes. तो हिंदी में बात कीजिए ना सर, परदेश में हिंदी सुनने का बड़ा मन करता है। बुरा मान गए सर? बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है सर हिंदुस्तानियों की, किसी भी चीज का बुरा नहीं मानते। और वो देखो सर, एक आप हिंदुस्तानी, एक वो, परदेश आते वक्त शर्म का थैला घर पर ही भुलाई, आई होगी अपने ही जैसे किसी से मिलने के लिए। नमस्ते जी। I'm so sorry Rahul, मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं, हम जानते हैं आप मीटिंग में फंस गई थी ना। ओह नो, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा हाथ पकड़कर बिठा दिया था। यू नो ना आजकल के लड़के कैसे होते हैं। एक ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया, और तीसरे ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। It was impossible to move, you see. Yeah, I saw. नहीं, I see, I see. आप कुछ लोगी? You take? अब तक तो वो चला भी गया होगा। और फिर जब हमने देखा कि वॉचमैन गेट नहीं खोल रहा है, तब हम वॉल जंप करके अंदर चले गए। ओह एक्सक्यूज मी, हमारा है। हेलो। राहुल जी, किधर है आप? रेस्टोरेंट में। हूज दिस? पूजा है। एक्चुअली वो मैं ना अब मीटिंग में बुरी तरह से फंस गई हूँ, और मुझे लगता है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ आपकी फ्लाइट का टाइम हो चुका होगा, इसलिए am I right? या सो
सो आई एम वेरी सॉरी कि आज हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बताइएगा कि हम नहीं मिले। वो क्या है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मार डालेंगे मुझे। और खास कर अब तो इट इज एकदम परफेक्टली ओके। थैंक यू सो मच। ऐसा करते हम बाद में बात करते, ओके? ओवर एंड आउट। थैंक गॉड। राहुल, एक रिक्वेस्ट है, मैंने तुम्हें जो भी बताया ना वो मेरे पेरेंट्स को मत बताना प्लीज। बहुत स्ट्रिक्ट है ना? हाँ? आपको मार डालेंगे। हाँ? पता है, मैं पता है। अब पता है? हाँ, अब तो हमें काफी कुछ पता है पूजा जी। आ, 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 क्या मतलब? मतलब नहीं, मतलब ये के, हाँ, आप हमारे लिए पूजा नहीं है, हमारे लिए आप पू है। पू? पू? यू? यू नहीं, सिर्फ पू। दरअसल क्या है ना, हमारा भी बड़ा सपना था कि हम भी आप ही की तरह जिंदगी गुजारे, कूल लाइफ। हम भी दूध बनना चाहते थे। दूध? हाँ, DUDE। डूड। वही वही। अब देखिए ना, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। चुप। आप जानती हैं, इसके बाद अगर हमें कोई पुकारे तो हम हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। डरी मत, हम आपकी आंखें नहीं फोड़ना चाहते, ये तो स्टाइल है। यो 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 यो। अब हम आपको बताना चाहते हैं, आप है ना, आप हमें बड़ी कूल लगी, एट द सेम टाइम हॉट भी लगी। आपका और हमारा आगे क्या होगा हम नहीं जानते, पर एक चीज बिल्कुल तय है, आई विल नेवर फॉरगेट यू पू। यो 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 यो, आई एम गोइंग, ओके बाय। व्हाट? हाँ, मैं तो तेरी मदद करने के चक्कर में गई थी। आई थॉट उसे टिपिकल बिंदी सलवार सुनो जी हाँ जी टाइप की लड़की चाहिए, लेकिन उसकी बातों से लगा कि वो तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा। हा? टीना, जब तू उसके साथ थी तब उसके सेल पर किसी का फोन आया था जिससे उसने कहा हो खास तौर पर अब तो इट्स परफेक्टली ओके। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? स्टूपिड, वो फोन मेरा था। व्हाट? यानी उसे पता था कि जो उसके सामने है वो मैं नहीं हूँ। यानी उसने मुझे नहीं तुझे पसंद किया है, पूजा को नहीं टीना को पसंद किया है। I can't believe this. Oh my God, oh my God. बेचारी टीना, I can imagine, वो राहुल तो रेस्टोरेंट से निकलते ही जमीन पर हंसते हंसते लेट गया होगा। Hey, one second. अर्जेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। Hey, listen, टाइम पे पहुंच जाना, ओके? हाँ हाँ, टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ओके? बाय। अगर मीटिंग टाइम पर खत्म हुई तो वाओ, फैंटास्टिक, थैंक यू। लाइफ में फर्स्ट टाइम तूने मेरी तारीफ की है। मैं इस ड्रेस की बात कर रही थी। फिर भी तारीफ तो मेरी हुई, इनडायरेक्टली सही, मेरी डिजाइन है। Okay. यार, इसकी फिटिंग का बहुत टेंशन है ना? Hey, let me see. You're exactly the size of my client. You wanna try? I'd love to. Presenting Miss World Tina. Superb, superb, brilliant. Thank you. तेरे लिए नहीं, dress के लिए बोल रही थी। Hey, मार डालूंगी। वैसे ड्रेस की क्या फिटिंग आई है, राइट? परफेक्ट। इतना जल्दी नहीं बोल सकती, पूरा दिन पहनूंगी तो पता चलेगा। टीना पागल हो गई है क्या? इट्स अनएथिकल। चल उतार। ए, कोच ए प्राइस, पेप्सी, कोक, पिज्जा, सेट। टीना, तुझे 1% भी होप है कि मैं ड्रेस उतारूंगी? और हमारा अगला कॉलर है शारजा से। हाय। हाय, क्या मैं जान सकती हूँ इस खूबसूरत आवाज की मलिका कौन है? रानी। रानी, अपना नाम बताने से पहले कोई भी इतना लंबा अ नहीं लगाता, यानी आपका असली नाम रानी नहीं है। क्या मैं आपको एक नया नाम दे सकती हूँ, अनामिका? इज इट ओके? ओके। या तो क्या शेयर करना चाहती हैं आप हमारे साथ अनामिका? आई वॉज फीलिंग डाउन, सो आई थॉट आपसे बात करूंगी। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, सारे ड्रीम्स शैटर हो रहे हैं, पता नहीं क्या करूं। जब कुछ पता नहीं हो तो सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए जिसे आपके कल, आज और कल के बारे में सब कुछ पता है, the one and only almighty God। फिलहाल मैं आपका गम 3 मिनट 40 सेकंड के लिए दूर कर सकती हूँ। सुना करिए मस्ती भरा गीत किशोरदा की आवाज में।
I can't swim. Oh, wow, I'd love to. Oh my god, the same dress. I didn't get my costume only. Oh my god, that's my client. You're wearing a dress. Run, run, run. Oh my god, oh my god. What happened? Woh dekh to nahi rahi hai na? Excuse me, this is my dress, isn't it? Oh yeah, actually, you know. How dare you? वो हम ट्रायल ले रहे थे कि ये ड्रेस पहनकर आप सब कुछ कंफर्टेबली कर सकती है नहीं व्हाट मुझे बनाना है मैं उलू है ये पूछ रही कि बता रही है ओह नो हाउ शेमलेस डू यू नो हु आई एम तुम चाहती हमें कौन हूं आई एम सॉरी लेकिन मेरा पुलिस स्टेशन कभी जाना हुआ नहीं है ना आपने पूरी जिंदगी में मैं इतनी शेमलेस थीफ नहीं देखी यू बिच एक्सक्यूज मी व्हाट डू यू से क्या कहा तुमने चिल चिल इट्स ओके नहीं यार माना कि हमसे गलती हो गई है मगर ये बोलने का तरीका नहीं है हाउ डेयर यू आई एम नॉट टॉकिंग टू यू आई एम टॉकिंग टू हर यू टेक ऑफ माय ड्रेस राइट नाउ ओके ओके सो आई एम टॉकिंग टू हर कांग्रेचुलेशंस टीना यू आर द प्राउड ओनर ऑफ दिस वंडरफुल ड्रेस और जिस किसी ने भी इस ड्रेस के एडवांस पैसे दिए हैं उसे कहना शॉप से आके अपने पैसे ले ले कलेक्ट योर एडवांस टुमारो बाय टाटा मिस्टर हाय माय नेम इज ओम सोचता हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही दूं क्योंकि तुम लोग तो मुझे और मेरी आदतों को जानते नहीं मतलब ये कि मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि मैं कभी भी एक आध ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीता मुझे क्या तुम लोगों ने देवदास की तरह पियकर समझा हुआ है हाँ सिर्फ एक नहीं 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 ये एक नहीं दूसरा एक स्पेशल एक पर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर ड्रिंक हाँ वॉट एवर द ड्रिंक में भी एक में क्या प्रॉब्लम हो सकती है अरे लेकिन ये तो come on, Om, have a nap. बिचारा पहले चैलेंज भी लगा था exactly come on यार क्या लग रहा come on Om, have a nap. Yeah, you can do it. You can do it. You can do it. Come on Om, you can do it. Wait for it. You can do it. You can do it. Alright. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. यार मैंने कहा था तुम लोगों से मुझे मत पिलाओ ये सब मुझे शक्लें दिखाई दे रही है डरावनी Hey dude, what's up, man? मान गए यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले हाँ ये सब तो इन्होंने सॉरी इंट्रोड्यूस कराना भूल गया दिस इज पूजा हाय दिस इज टीना एंड दिस इज सोनिया हाय गर्ल्स मीट रोहित माय कलीग These are my friends and my homemates. Oh yeah? तो तुम सब एक साथ रहते हो हाँ यार ओम I've always been wondering, तुम में इतनी एनर्जी आती कहाँ से हाँ अब समझा तीन तीन खूबसूरत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है घर पर All right, the drink is on me. No, I will pay. Okay.
पूजा जिमी पीछे से आवाज नहीं। I'm so sorry, sir. I thought it was. No, that's all right. No problems. Congrats. For what, sir? For all the good work that you're doing here. Thanks, sir. सारे thanks एक साथ दे देना। I have some more good news for you. क्या news है, sir? पूजा, हर आदमी का एक सपना होता है आगे बढ़ने का। And I'm sure RJ के भी अपने सपने होते होंगे और एक RJ का सबसे बड़ा सपना होता है to have your own show, right? मैंने कई बार देखा है तुम बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस दीवार को देखती हो। Yeah, I know that. कैसा रहेगा अगर इस दीवार पे एक नए शो का पोस्टर लगे? You know, like पूजा at 8, your show. So? Yeah, I think you deserve it. Thanks, sir. No!
Why? Why? I can sleep. Shut up. Where's Rachel? यार एक नया शो FM पर आने वाला है जिसे सुनने के लिए तैयार हो जाओ पूजा एट 8 मेरा अपना शो माय ड्रीम मेरा सपना लेकिन ये हुआ कैसे यू नो माय बॉस विवेक या बोले पूजा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और टैलेंट को इनाम तो मिलना ही चाहिए ना और क्या क्या बोला 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 बोले नहीं बट आई कुड सी द रिस्पेक्ट ही हैज फॉर मी इन हिज आईज आईज हां या आई डन इट गर्ल्स आई डन इट एड कैन यू बिलीव इट दिस सालों की मेहनत और सिंसेरिटी फाइनली पे ऑफ यस दैट्स ग्रेट अब तेरे मूड को थोड़ा और अच्छा किया जाए हां हां टीना को एक नई प्ले में एक जबरदस्त रोल मिला है और सोनिया ने अपने बुटीक में नया कलेक्शन शुरू किया है That's wonderful. Girls, तुम्हें नहीं लगता हमारे पास इतने सारे रीजंस है that we should have a जबरदस्त पार्टी है क्या है क्या yes! Yes! मिलाने दो न करो हम स्टॉप दिलों को चुराने दो न करो हम स्टॉप यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्ती में झूमेंगे यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्ती में झूमेंगे हम तो दीवाने हैं आंखें मिलाने दो न करो हम स्टॉप दिलों को चुराने दो न करो हम यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्ती में झूमेंगे हम तो दीवाने हैं आंखें मिलाने दो न करो हम दिस इज योर फूड मैम ओके एंड दिस इज योर बिल हाउ मच हम तो यारा चल पड़े हैं हाउ मच दुनिया वाले तो खड़े हैं इनको पीछे छोड़ देंगे ओके स्टॉप स्टॉप ओके ईट हे ओम तुम्हारा प्रमोशन लॉन्ग ड्यू है ना हाँ तो कल यही वाले कम कपड़े पहनकर सीधे बॉस की कैबिन में घुस जाना वैसे भी बॉस काफी फ्लर्ट लगता है हाँ ची वेरी चीप चीप जोक सॉरी भजन गाए टीना कल शाम को तुम डॉकयार्ड एरिया में गई थी वो मेरे कलीग ने देखा था तुम्हें वहां हाँ वो एक नए रोल की रिसर्च के लिए गई थी सोनिया कैन यू पास मी दैट प्लीज हे कौन सा रोल वो नए प्ले वाला हाँ ओ ये कराची वाले का खाना बहुत अच्छा है ना टीना ये चाइना टाउन से आया है और तुमने ही मंगाया है How silly. Stupid. तुमने रोल के बारे में कुछ ठीक से बताया नहीं जरूरी है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए मैं कहां जाती हूं किससे मिलती हूं क्या खाती हूं क्या पीती हूं सब बताओ अरे टीना लिसन स्टॉप तुम तो जस्ट स्टॉप दिस ओके क्या हुआ तुमने यहां फोन क्यों किया मना किया था ना मैंने मुझे पैसों की जरूरत है क्या तुम जानते हो कितने पैसे ऑलरेडी दे चुकी हूं मैं तुम्हें इस महीने जानता हूं मगर कुछ जरूरी काम आन पड़ा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारा जरूरी काम क्या है आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग यू अंडरस्टैंड प्लीज प्लीज टीना मेरा विश्वास करो
मुझे वाकई पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। आज से पहले मैंने कभी तुम्हारे घर पर फोन नहीं किया ना, आज करना पड़ा क्योंकि ओके लेकिन इस महीने ये आखिरी बार होगा, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं जानता था दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन टीना मेरी मदद जरूर करेगी। थैंक यू। कहाँ जा रही हो तुम? रिहर्सल्स। और कहाँ? ऑल द बेस्ट। थैंक्स। वो अभी बाहर गई है। बताया उसने कहाँ जा रही है? कहाँ रिहर्सल्स के लिए जा रही है वो। पर कल शाम को तो उसने कहा था कि आज रिहर्सल नहीं है। एनीवेज पूजा, फॉलो हर। देखो वो कहाँ जा रही है। या, आई विल डू दैट। आदमी की शक्ल देखी? नहीं। कोई इसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा ना? या ड्रग्स वगैरह? नहीं यार, टीना ऐसा नहीं कर सकती है। अरे कम से कम पता तो चलता। अगर टीना ड्रग्स ले रही है तो हम उसे तो क्या किया जाए? Should we talk to her? नहीं, टीना को अगर हमें कुछ बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। सोनिया, let's wait and watch। हो सकता है उसकी जिंदगी का कोई ऐसा पेनफुल सीक्रेट हो जो वो हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती। ओम सोनिया, हैंग ऑन। ओम बाय। आर यू लीविंग? हाँ, हमेशा के लिए। आर यू श्योर? आई मीन इतना स्टेबल जॉब छोड़कर तुम? आई एम श्योर ओम, मैं फैसला कर चुकी हूँ। एंड एनीवे थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बाय। जस्ट अ मिनट। सोनाली? ओम, जस्ट डोंट आस्क मी एनीथिंग, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाऊंगी, बाय। ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया? इससे ज्यादा कपड़ा तो बच्चों के डायपर में यूज होता है। Can't help it, I tell you. क्लाइंट का जो भी डिमांड होता है वही बनाना पड़ता है। Excuse me. Oh, hi. Oh, hi. What a surprise. आप यहाँ पर? It's my boutique. Oh, yeah? Got to be. खूबसूरत लोगों की पसंद खूबसूरत ही होती है।
एनीवेज, आप यहाँ कैसे? वो क्या है, मैं अपने लिए एक सूट देख रहा था। सोयो बुटीक, तो ऐसा लगा कि आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। आई एम रियली सॉरी रोहित, ये बुटीक एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए है। कोई बात नहीं, हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है। सूट नहीं तो ना सही, एक स्मार्ट सा आउटफिट ही बना दीजिए। मैं आपका पहला मेल क्लाइंट बनने का रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। इतना बुरा भी नहीं बनाऊंगी। जस्ट किडिंग। वो क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में जादू होता है, जादू जिसे छूते ही हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। रियली? एक साथ इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मत दीजिए, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। सच को डाइजेस्ट करना यूं भी मुश्किल ही होता है। ओके ओके स्टॉप। ये बताइए किस तरीके का आउटफिट पसंद करेंगे आप? मुझ में एक प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग है ना, वो हर जगह काम नहीं करता। इनफैक्ट पब में कुछ ज्यादा ही काम करता है। वहां चलें? Let me see. No, I'm busy. अपने फ्रेंड्स के लिए आप इतना सा वक्त नहीं निकाल सकती? इतना सा नहीं, इतना सारा वक्त निकाल सकती हूँ, पर मेरी भी एक प्रॉब्लम है। मैं दो मुलाकातों में सिर्फ हाय हेलो की स्टेज तक पहुँच सकती हूँ, दोस्ती की नहीं। Well, it's the quality of time that we spend that matters, not the quantity. जिंदगी में बहुत तेज चलने से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है रोहित। ड्राइव स्लो एंड ड्राइव लॉन्ग। लॉन्ग ड्राइव्स का यही तो मजा है। So let's go for a long drive, baby. जिंदगी जीने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो जिंदगी एक ही। अंधेरों में खो जाना है या जलते हुए दिए सा हो जाना है। कश्मकश तो है, लेकिन फैसला भी तो हमें ही करना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जिए या मरे, सवाल सिर्फ इतना है। निकालो इसे अपने मुंह से बाहर, ये नो स्मोकिंग एरिया है। ओ, वैसे रूल में बांध कर कुछ भी करवाना मुश्किल है मुझसे, तुम तो जानती हो कैसे जी है मैंने अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे से जानती हो कैसे जी है तुमने तुम्हारी जिंदगी, एक फेल्ड एक्टर जिसने अपनी सारी जिंदगी स्टेज पर गुजारी और फिर शराब में अपना सब कुछ डुबो दिया। जिंदगी जी है बिना किसी रिश्ते, बिना किसी जिम्मेदारी की परवाह किए। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। साथ लेकर पैदा नहीं हुई थी, तुम्हारा ही दिया हुआ है। क्यों आए थे यहां? कुछ तो बड़ी मजबूरी होगी तभी आया हूं, वरना कहने को ही सही मगर बाप हूं तुम्हारा। अपनी बेटी के सामने हाथ फैलाने में किस बाप को शर्म नहीं आएगी? एक बात अच्छे से समझ लो तुम, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं देने वाली। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, कुछ नहीं दोगी? जब जब मैं सामने आऊंगा नफरत भी नहीं। मैं जानता हूं मैं तकलीफ दे रहा हूं, आगे नहीं दूंगा। सोचता हूं कोई छोटा मोटा काम पकड़ लूं, बस ये आखिरी बार। ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूँ। देखो, मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी, अब एक बार तुम मुझ पर भरोसा कर लो कि मैं तुम्हें आगे तंग नहीं करूंगा। क्यों क्यों खुद को तुम बर्बाद कर रहे हो ऐसे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है। तुम्हें इतना भी एहसास है इस बात का कि तुम शराब को नहीं पी रहे हो, शराब ने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जिंदगी को पीना शुरू कर दिया है। अच्छा लगा फाइनली एक बेटी को अपने पिता की चिंता होने लगी है। कोई चिंता विंता नहीं हो रही है, आई केयर अ डैम, बिकॉज तुम तो मेरे पिता कहलाने लायक ही नहीं हो। कमीने हो तुम,
और कितना जलील करवाओगे? I saw it with my own eyes. तुम पारुल के घर में घुसे थे और पूरा डेढ़ घंटा अंदर थे। भाई दाद देता हूँ तुम्हारे पेशेंस की, और तुम डेढ़ घंटा बाहर खड़ी रही। Just shut up. मैं अंदर आकर तुम्हारी बेशर्मी नहीं देखना चाहती थी। Why did you go there? अपने आप से पूछो ये सवाल कि मुझे वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब चाहा तुमने, तुम्हारे बिस्तर पर लेटी हूँ मैं, उसके बाद भी? बिस्तर पर तो चादर भी बिछती है, पत्नी शुड बी मोर देन अ चादर, राइट? मतलब क्या है तुम्हारा? एक पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर छोड़ी है मैंने? लुक एट योरसेल्फ, क्या दिया है तुमने इस घर को? लुक एट योरसेल्फ, बहुत बार देखता हूँ अपनी तरफ और एकदम खाली खाली सा लगता है। पता नहीं मैंने क्या दिया इस घर को, इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं मिला इस घर से। अपनी गंदगी का इल्जाम मेरे सर पे मत डालो। तुम अगर जिंदगी में फेल हुए हो ना, तो अपनी वजह से। लड़ नहीं सके तुम, कायर हो तुम, तुम्हें तो मर्द कहने में भी शर्म आती है मुझे। सॉरी, जस्ट चेक कर रहा था कि तुम सही हो या गलत। लगी ना, दैट प्रूव्स कि कमजोर नहीं हूं मैं, ताकत है मुझ में, मर्द तो हूं मैं। It's difficult for you to tell us. इसलिए मैं कुछ पूछूंगी भी नहीं टीना। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि दर्द क्या है मुझे पता नहीं। तुम्हें जब ठीक लगे ना, तब हमें बता देना। चार जन हैं हम, थोड़ा थोड़ा भी बांट लेंगे ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1/4 बचेगा। ना, डोंट क्राई टीना। प्लीज सॉन्ग पुराने गानों का है एक अपना मजा और नए गाने हैं पेनफुल सजा। जस्ट किडिंग, कई नए गाने भी काफी अच्छे होते हैं। लेट्स सी हमारे अगले कॉलर कौन है। हाय, क्या मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? गेस गेस गेस, हमारी 3 बार फोन पे बात हो चुकी है। जी, यहाँ स्टूडियो में नहीं, सेल पर। अरे हाँ, मैं राहुल, लाइन पर। राहुल, हाँ राहुल जी, कहिए आप क्या सुनना पसंद करेंगे? कोई ऐसा गाना पूजा जी जो किसी की तलाश करने में हमारी मदद करे। अब दरअसल पूजा जी क्या है ना, वो आपकी फ्रेंड है ना, फ्रेंड, उसे हम दरअसल, मैं, हे भगवान, मैं कैसे कहूँ। राहुल जी, हम आपके लिए एक बढ़िया सा गाना बजाते हैं, फिल्म है। देखिए पूजा जी, आपका गाना भले ही फिल्मी हो, मगर हमारा अरमान है ना, बिल्कुल रियल है। आज कल रात को हमें नींद नहीं आती पूजा जी, हमारे जूनियर्स ने अक्सर हमें ऑफिस में जबकि मारते हुए पकड़ा है। देखिए राहुल जी, हम फुर्सत में बात करेंगे, फिलहाल सुनते हैं फिल्म रोजा का ये प्यारा सा गीत। ये नई प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? कौन है? Who's it? टीना है। Tina's not gonna like this. तो क्या करें, भगा दे? I don't know. Tina's not gonna like this. ये यहाँ आए क्यों हैं? एक काम करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें कहीं बाहर जाना है। अच्छा, और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ तो। It's so cruel, yeah. What is so cruel in that? उनकी हालत देखो, इतने बुढ़े आदमी को तुम घर से निकाल दोगे? Tina hates him. I know. लेकिन फिर भी यहाँ आए क्यों हैं? Uh, uh, uh,
अंकल आपको कुछ चाहिए क्या? अपने आप गिर गया। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम अंकल, इट्स ओके, ही विल डू इट। नहीं मैंने नहीं गिराया, ये अपने आप। इट्स ओके अंकल, इट्स ऑल राइट। ये थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर अंकल, आप और कुछ भी लेंगे? नहीं वो बस थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं बची है बस। टीना को अच्छा नहीं लगेगा अंकल। नहीं वो टीना को मालूम है कि वो यहाँ अच्छा नहीं लगेगा अंकल। मुझे मालूम है टीना गुस्सा करती है, ऐसा ही है हमारे बीच। वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बस इतना सा बचा है बस। टीना कहती है मर जाओगे, ठीक कहती है, ठीक ही कहती है, हमेशा ठीक ही कहती है, उसकी माँ भी ठीक कहती थी। आई लव टीना, शी इज माई डॉटर। वो जो भी कहती है मैं सुन लेता हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं भी एक एक्टर था। एक बहुत पुरानी फिल्म थी इंग्लिश, लॉरेंस इन लद्दाख, डायरेक्टर डेविड मैलकम। मैंने किरदार किया था एट अ ब्लडी नेटिव। आई कैन टेक यू इन सर, बट विल यू बी एबल टू कम आउट? डेविड सर सेड, हे यू आर अ डैम गुड एक्टर। पर सबके साथ अच्छा नहीं होता ना। टीना कहती है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने ही घर में अजनबियों से खड़ा रहा। और थोड़ा सा पानी। हाँ मैं लेके आता हूँ। हाय, डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग। तुम लोगों ने इस आदमी को अंदर आने क्यों दिया? अरे तो क्या बोलते, गो अवे, सॉरी बट आप यहाँ से चले जाइए। यस कम ऑन टीना, ही इज योर फादर, हाउ कैन वी जस्ट टर्न हिम अवे लाइक दैट? अच्छा ठीक है, अंदर आने दिया, लेकिन शराब, बैठकर शराब सर्व की जा रही है और स्नैक्स बनाए जा रहे हैं। यू टेल मी टीना, व्हाट डू वी डू? टू हेल विद योर गुडी गुडी एटीट्यूड, आई हेट दिस मैन एंड आई वांट हिम आउट ऑफ दिस हाउस। टीना टीना वो सुन लेंगे यार। डैम हिम एंड डैम यू, ये मेरा घर है, अपने घर के तो इस आदमी ने शराब में बहा दिया और अब यहां मेरी खुशियों में आग लगाने क्यों आया है? बेटी इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो बस ऐसे ही सारी जिंदगी बस ऐसे ही। पता है मैं कई बार क्या सोचती हूं, काश तुम भी मां के साथ मर गए होते। तुम हो और वो सब कुछ है जो मैंने तुम्हारे साथ भुगता है। शायद तुम ना रहो तो खत्म हो जाए वो भी। अब बार बार यहां आने की आदत मत डाल लेना। और जाते हो दरवाजा बंद कर देना,
सेफ्टी ना। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जिए या मरे, सवाल सिर्फ इतना है। ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट। क्या परफॉर्मेंस दिया है, माइंड ब्लोइंग। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तुम सचमुच रो रहे हो। इट ऑल लुक्स सो रियल यार, कैसे कर लेते हो ये सब? सिंपल फिलॉसफी यार, स्टेज इज अ बैटल फील्ड फॉर मी, जहां मैं अपने आप से लड़ता हूं। आनंद हारता है, कैरेक्टर जीतता है। आनंद दुबक कर डर कर कोने में बैठ जाता है और कैरेक्टर सीना तान कर घूमता है, hey, this is my territory. Dare not enter. यार आनंद टीना को भी अपनी विरासत सौंपने वाला है या खुद में ही सारा टैलेंट दबा के मर जाने वाला है? टीना, अरे एक्टिंग तो उसके खून में है, खून में। यूं पकड़ती है एक एक बात, उसकी आंखें और डायलॉग यहां से नहीं यहां से निकलते हैं। क्या बात है, देखना है। हाँ, आई विल जस्ट कम। हाँ बेटा, जरा बाहर है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बख्श दो उसे। अरे दो मिनट की तो बात है। मैंने कहा ना आपसे। मैंने भी कुछ कहा ना, I want to show them. मेरी बेटी मुझसे भी दो कदम आगे है। प्रोटेजी, चलो उठो बेटा, शाबाश, आ जाओ। रास्ते हजार हो सकते हैं, मगर मंजिल तो एक ही होती है। जिंदगी जीने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर है तो जिंदगी एक ही। अंधेरे में खो जाना है या चलते हुए दिए सा हो जाना है। कश्मकश तो है ही, मगर फैसला भी हमें ही करना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जिए या मरे, सवाल तो सिर्फ इतना है। दुनिया कहती है कि दिल और दिमाग का एक रिश्ता होता है, लेकिन तुम कहते थे कि कई बार ये सच नहीं होता। अब तुम चले गए हो तो मुझे लगता है कि शायद तुम सही कहते थे। जब तक तुम सामने थे तो नफरत करती थी तुमसे पूरे दिल और दिमाग के साथ, और अब जब नहीं हो तो जैसे दिमाग सुन सा पड़ गया है। दिमाग कुछ कहता है तो दिल कुछ और। दिमाग कहता है मत बदलो, तुम्हें लेकर अपने जज्बात वैसे ही रहने दो।
नफरत की परतों को मत उठाओ और दिल दिल कहता है तुम जैसे भी थे प्यार तो करते थे ना मुझसे। और अब 10 मिनट का इंटरवल। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फाइन, परफेक्टली फाइन। प्ले देखने आई हो? स्टूपिड क्वेश्चन। दुबई में कैसे? मम्मा जल्दी चलो ना। हाँ बेटा, वी मस्ट मीट सून। या श्योर। बाय बाय। चलो तुम्हारा नंबर हेलो हेलो पूजा जी, राहुल। राहुल जी कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं पूजा जी, आप जानती हैं इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? I'm so sorry, हमारी ज्योतिषिया छुट्टी पर है वरना मैं उसे जरूर पूछ लेती। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? फिल्म का नाम है वो दिख गई और गाने के बोल है हम उनका पीछा कर रहे हैं अभी। मैं समझी नहीं। हमें आपकी फ्रेंड दिख गई पूजा जी। हम ये जानते कि ये कोई शराफत नहीं, मगर हम ये भी जानते हैं कि प्यार और शराफत का कोई नाता नहीं, इसीलिए हम उनका पीछा कर रहे। What? क्या है ना पूजा जी, हम आपकी दोस्त के साथ बात करना चाहते पर हिम्मत ही नहीं हो रही। देखिए राहुल जी, दिल को समझाइए। हालांकि मैं जानती हूँ दिल है कि मानता नहीं, लेकिन आपका दिल मेरी फ्रेंड टीना को जानता नहीं। मगर पूजा जी, हम भी कुछ कम नहीं, पिट भी जाए कोई गम नहीं। लुक बिहाइंड यू पूजा जी, उन्होंने पलट कर मुझे देखा, अब वो तेज चलने लगी, चलते चलते काफी दूर निकल चुकी है। वो देखो, हाँ हाँ वो देखो, वो भाग रही है टैक्सी की तरफ। पूजा जी अब वो टैक्सी में बैठ गई, टैक्सी में बैठकर निकल गई। ये क्या पूजा जी, ये आपकी सहेली ना हमें बहुत दौड़ाती रहती, अब हम अपसेट हो गए। ओवर एंड आउट। हाउ इज योर हस्बैंड? ही इज फाइन। कहाँ है वो? किसी बिजनेस मीटिंग में। अरे सर क्या कर रहे हो तुम? डोंट डू बदमाशी ओके? बहुत प्यारी है। बहुत शैतान भी है। कितनी बदल गई हो तुम। हाँ मोटी हो गई हो ना आंटी जैसी। यू नो मैंने सोचा भी नहीं था हम फिर एक बार इस तरह मिलेंगे अचानक। सोचा तो बहुत कुछ नहीं था बट इट जस्ट हैपेंस। योर ऑर्डर प्लीज। यस बेटा क्या लेंगे आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम ठीक है, वन आइसक्रीम। ओके मेरे लिए कॉफी, इनके लिए एक चाय और दूध और शक्कर सेपरेटली। नो नो आई विल हैव अ कोक। ऑलराइट थैंक यू सर। कोक? बट यू हेटेड इट। या एक नई जिंदगी शुरू की है, काफी कुछ बदल दिया है। आदतें बदल गई होंगी पर तुम तो वैसे ही हो। खाना तैयार है। yeah! यम्मी, इसकी खुशबू से भर गई मेरी टमी। मोटी। ओके ओके सो डोंट ईट एनीथिंग नाउ ओके? ओवर ईटिंग करेगी तो मोटी हो जाएगी। चुप। ओके ओके चलो लेट्स मेक अ टोस्ट टू ओम एंड द थ्री ऑफ अस। चीयर्स। What's wrong with you, Om? इतना ज्यादा नमक? Om, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्षमा में।
He met Shama today. She's in town, you know. What? Why didn't you tell us? How is she, yeah? क्या बातें हुई? You should have invited her home, no? तुमने उसे कहा नहीं? Enough, यार. It's okay. Nothing to get excited about. कई पुराने लोग मिल जाते हैं कई बार. It's not such a big deal. Oh, really? Om, कई पुराने लोगों की तस्वीर नहीं है तुम्हारे पास में. We're talking about Shama. और मैं फिलहाल उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. शमा की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है. बस हर बात हर थॉट यहां पर आकर खत्म हो जाती है. ओम, वो तो खुश है, but what about you? I have forgotten her. She's only a friend to me, and I am happier than ever. क्या तुमने मुझे कभी पब में विस्की का ग्लास पकड़कर रोते हुए देखा है? Have you ever seen me making her sketches? बस वो एक बार मिल गई तो तुम लोगों को लगता है कि बहुत मेजर इवेंट हो गया है, तो क्या पेपर में छपा दे? हेलो ओम. हाँ शमा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फाइन. हाउ सहर? वो ठीक है. तुम्हें याद कर रही थी, पूछ रही थी अंकल से कब मिल सकती है. ओ या श्योर, व्हाई नॉट, मिलते हैं ना आज. आज वो एक्चुअली शमा कॉलर एट द पब ना. हाँ, वो मैं और मेरे फ्रेंड्स पब जा रहे हैं शाम को. अगर तुम नहीं, मैं नहीं आ सकती. शहर को पब नहीं ला सकती, और उसे किसके पास छोड़ूंगी? यू गाइस कैरी ऑन, फिर मिलेंगे. सी यू सून. Is she coming? नहीं, वो उसकी बेटी है ना, किसके पास छोड़े उसे? उसके हस्बैंड के पास, एक दिन के लिए तो संभाल सकता है. या वो है नहीं यहाँ, अकेली आई है क्या शमा? Not sure. Maybe. या शायद उसका हस्बैंड बिजी हो, या शायद I don't know. मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम. तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, कैसे दिल से मिटा सकता हूँ. मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम. तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, कैसे दिल से मिटा सकता हूँ. मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम, मेरी कहानी. की डोर से बंधे भी हुए हैं, टूटे भी हुए हैं. हम प्यार की डोर से बंधे भी हुए हैं, टूटे भी हुए हैं. और हाथ से हाथ ये मिले भी हुए हैं, छूटे भी हुए हैं. साथ है पर हम सफर नहीं, मेरे पास नहीं तो दूर सही. पर मेरी तो मंजिल हो तुम, मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम. तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, कैसे दिल से मिटा सकता हूँ. मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम, मेरी कहानी.
हर खुशी साथ थी मेरे तुम थे मगर एक पल में तुम्हें खो दिया। दूरियां छा गई जैसे बादल कोई आसमान ने भी फिर रो दिया। हम दूर हुए थे जाने क्यों। हम दूर हुए थे जाने क्यों। अब पास है तो लगता है यूं के एक पल का सपना हो तुम मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम मेरी कहानी मेरा किस्सा हो तुम। तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ कैसे दिल से मिटा सकता हूँ मेरी सांसों का हिस्सा हो तुम मेरी कहानी मेरी कहानी गीत के बाद आइए सुनते हैं हमारे अगले हमसफर की कुछ खट्टी मीठी बातें। हाँ जी तो कौन है हमारे साथ। अनामिका पहचाना। अनामिका ऑफ कोर्स जिसे मैंने खुद नाम दिया हूँ उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाउ आर यू अनामिका। जिंदगी के दो राहे पर खड़ी हूँ एक तरफ तो सिर्फ अंधेरा है और दूसरी तरफ मंजिल साफ नजर आ रही है। वाओ दैट्स ग्रेट। तो फिर मुश्किल क्या है दो कदम आगे बढ़ाइए और पा लीजिए अपनी मंजिल। ये इतना आसान नहीं है पूजा जी। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ लेकिन इतने सालों तक जॉब करने के बाद ये जाना है कि काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती। मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन का ऑफर दिया है पर शर्त इतनी है कि एक शाम मैं उनके साथ। अनामिका जिंदगी आपकी है और फैसला बहुत बड़ा है जो आप ही को लेना है लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि क्या ये सब ऐसे पाकर आप खुश रह पाएंगी। जवाब आपको आप ही के अंदर कहीं मिलेगा। तब तक आपके दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का करने के लिए आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। ये क्या जवाब था। क्या जवाब सर। वो अनामिका वाला। सर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। Come on, please. Just don't give me that. ये कोई जवाब हुआ क्या ये सब ऐसे पाके आप खुश रह पाएंगे। शो का टारगेट एज ग्रुप क्या है। Come on. 16 to 30 सर। 16 to 30 right. Means what? Means वो उम्र जिसमें इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है किसी भी कीमत पे at any cost। और दूसरी बात लोग हमसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं। They expect कि हमारे जवाब बोल्ड होंगे something controversial something hot and that's called image building। आज की यूथ की थिंकिंग के सिंक में जाना है हमें। आज का यूथ क्या ऐसे सोचता है। I don't agree with you sir। पूजा now let me tell you something very frankly। बहुत सारे negative responses आ रहे हैं। तुम्हारे जवाब से लोग एग्री नहीं करते हैं। योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क सर। या एंड स्टिल मैंने तुम्हें एक नया शो ऑफर किया पूजा एट 8। व्हाई टेल मी व्हाई। इसलिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक टैलेंटेड लड़की हो और सिर्फ टैलेंटेड नहीं हो तुम समझदार भी हो जो इस बात को समझती है कि दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ यू नो कुछ खोना पड़ता है। या अब शायद तुम्हारे कुछ ख्याल बदले हों। कम ऑन स्वीटहार्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंक। अब देखो वहां पूजा आई रेट का पोस्टर लगना है। अब इस तरह सोचोगे तो कैसे चलेगा। You have to change, right? Everything in this world is give and take. It's give and take, right? समझो बात को, okay, honey? Come on, grow up. Na 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 na.
Hi. Hi. Hey, what's up? Come, खाना तैयार है. Come join us. Come, come. You carry on. I don't feel like it. क्यों? क्या हुआ? चला आना. You're looking down, Pooja. नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द है. या हे डॉल, व्हाट्स अप? कुछ नहीं. कुछ नहीं? तू जो कभी अकेले खाना नहीं खाती, हम अगर लेट भी हो जाए तो हमारा इंतजार करती है, और तू आज कह रही है कि यू कैरी ऑन, आई डोंट फील लाइक इट, एंड यू डिडंट इवन गिव अस कंपनी यार. That's very unlike you. ए, I know तू परेशान क्यों है. पूजा टेट की वजह से ना? हाँ? Come on, पूजा. Things take time. ये चुटकी बजाती ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना? Hey doll, you're talented. और तेरे talent से mesmerize होकर ही तो उन्होंने तुझे offer दिया था ना? Correct. Don't lose heart. हमें तुझ पे पूरा भरोसा है. देखना, एक आध महीने में ही घड़ी का डाल जाएगा 8 पर, रेडियो का स्विच ऑन होगा, और हाय, दिस इज बेबी डॉल पूजा, और लेकर आई हूँ पूजा एट 8 स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया गेट. ये कुछ जमा नहीं ना? कैसे जमेगा? शी इज अ किक एस आरजे, एंड यू जस्ट एन एस. हाँ नामिका, कैसी हो? खुश, बहुत खुश. यू नो पूजा, आई एम द सीनियर एग्जीक्यूटिव इन माय कंपनी. मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन दे दिया है. पूजा, जिंदगी में जो चाहा था वो पा लिया है मैंने. मेरी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं. हे पूजा. हाय. हेलो सर. Things are getting worse, sweetheart. और कंप्लेन्स आई हैं तुम्हारे होस्ट किए हुए एपिसोड्स की. समझ नहीं पा रहा हूँ कब तक सीनियर्स के पास से बात पहुँचने से रोक पाऊँगा. तुम वाकई इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हो? Have you really thought about it? Look, I really want to help you. मैं तुम्हारी वाकई मदद करना चाहता हूँ, और इस बारे में हमें बात करनी चाहिए. यू नो, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ. तो कहीं बैठते हैं, लंच खाते हैं और बात कर लेते हैं. ओके? या गुड. हियर इज योर रूम की सर. यप, थैंक्स. वेलकम. कहाँ जा रही हो? सर, रेस्टोरेंट तो यहाँ है. लंच रूम में आ जाएगा. स्वीटहार्ट, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अकेले में की जाती हैं, राइट? कम ऑन. कैसे हो यार? हाय. काफी दिनों से मिले नहीं, क्या कर रहे हो आजकल? Why this?
just because I'm a girl? Huh? क्या लड़कियों ने कहा यही मतलब है कि सबके साथ बिस्तर पे? पूजा, be quiet, okay? नहीं। और मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं ची I don't want to live anymore. Pooja, control yourself. क्या कर रही हो? I can't face anybody. मुझे नहीं जीना है. Shut up. Pooja, क्या बकवास कर रही है तू? Do you know what you're talking about? Relax, baby. ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, पूजा, जब इंसान कमजोर पड़ जाता है. हम सब कभी न कभी कमजोर पड़े हैं. We've all made compromises in life, in different ways. It's not a very big deal. और कमजोर होने का मतलब हारना नहीं है पूजा. It's not the end of life. हम लोगों को तुम्हें अश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है. Ask yourself, क्या तुम में टैलेंट नहीं? लाखों करोड़ों लड़कियां तुम्हारे मुकाम तक पहुंचने के सपने देखती हैं. बिलीव मी, हर किसी को वो नहीं मिलता जो तुमने पाया है. इट्स जस्ट अ हर्डल, तेरी लाइफ की जर्नी का एक स्पीड बम्प. टिंग, एंड टुगेदर वी विल क्रॉस देम. जस्ट गिव योर रिजिग्नेशन एंड कम बैक, ओके? हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. थैंक्स. गुड लक. बाय सर. स्पेशली हमारे रेडियो स्टेशन के 8 बजे के स्लॉट को बहुत मजबूत करने की जरूरत है. कुछ मेजर प्लान्स वर्कआउट करने होंगे हमें. एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन प्लीज? लेटर, वी आर बिजी राइट नाउ. मैं अपना रेजिग्नेशन देने आई हूँ और मैंने सोचा ये बेहतर रहेगा कि मैं सबके सामने रिजाइन करूं. पूजा, माहौल मुश्किल? नथिंग सर, जस्ट पर्सनल कमिटमेंट्स. एनीवे, इट वाज अ प्लेजर वर्किंग फॉर योर रेडियो स्टेशन. थैंक यू वेरी मच. लेट्स कंटिन्यू विद द मीटिंग. एक आदमी के चले आने से स्टेशन बंद नहीं हो जाएगा और बहुत से बेहतर लोग मिल जाएंगे, और शायद ऐसे भी जो आपके साथ शामी गुजारने को आसानी से तैयार हो जाए. What are you trying to say? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूं. Let's be clear. Was I paid for my voice or body? Sir, मैंने डिसाइड किया था मैं चुप रहूंगी बिकॉज मैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाहती थी. पर मैंने रियलाइज किया आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है, और शायद उसकी किस्मत उसका साथ न दे. I would have been dead. Do you realize that, Mr. Vivek Malhotra? Do you realize? I would have been dead by now. पूजा का SMS है. She says switch on the radio. क्या? Hi there everybody and a very special hi to those who are really really close to me. अभी अभी जिंदगी की एक लड़ाई जीती है मैंने. And I swear, आप मेरे दोस्त, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, अगर मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं लड़ने से पहले ही हार मान लेती. आपकी पूजा आपके सामने एक नए शो, अपने खुद के शो पूजा एट 8 के साथ जल्द ही आने वाली है. And believe me, it's all because of you. Thanks a lot for your love and support. All right. Hey, good. So do you like it? How can I say ki main is outfit mein acha lag raha hu? Well, if you're looking for compliments, main dene ko taiyar hu. This outfit is looking really nice. I know. Apni cheez ki to aap khud tareef karengi. But you know, Sonia, is outfit ke real judges hain bahar road par. I would give it 5 stars. Only if it is capable of turning heads. तो जाइए, कर लीजिए टेस्ट. You know what, Sonia? You should also come.
कहना बाहर जैसे जैसे लोग कमेंट्स करते जाएंगे वैसे वैसे तुम आउटफिट्स में ऑल्ट्रेशंस करते रहना। आई मीन रेस्टोरेंट में बैठकर। ओरिजिनल। आई मस्ट टेल यू आई हैवंट हर्ड ऑफ अ बेटर वे ऑफ आस्किंग अ गर्ल आउट। तो फिर मेरा इनाम किसी और दिन दियो रहा। हे दैट्स नॉट फेयर सोनिया, चलना तो आज ही पड़ेगा। डोंट बी अ स्पंज फॉर, कम ऑन। बट आई कैन लीव माय बुटीक ओपन रोहित, है ना, संभालने के लिए है ना। गॉड यू ओके, गिव मी अ मिनट। हाय। हेलो। हेलो ओम। हाँ सोनिया। हाय लिसन, यहाँ बुटीक में वो मैं जरा सोनिया मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बोलो क्या, कौन सा वाला ले, ये या ये? यू वॉन्ट मी टू डिसाइड? मुझे कलर्स की कोई समझ नहीं है। जानती हो जब मैं ट्राउजर्स खरीदने जाता हूँ तो मैचिंग शर्ट सिलेक्ट करने के लिए टॉस करता हूँ। तुम मुझसे कह रहे हो, 3 साल गुजार चुकी हूँ तुम्हारे साथ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी वो वाला बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज परफेक्ट, बेटर है ना? शमा, पवन दुबई नहीं आया तुम्हारे साथ? मैंने सोचा मैं कुछ देर शमा बन कर रहा हूं, पहले पत्नी बनी फिर माँ, उस बीच मैंने कहीं अपने आप को खो दिया था, और जब मुझे ये नौकरी मिली मैंने डिसाइड किया ही इज इन इंडिया। अकेले आने दिया उसने तुम्हें, रोका नहीं? रोका तो था, वहां जाकर क्या करोगी, पैसा तो यहां पर भी है, घर संभालो, सब कुछ कहा उसने, सिवाय इसके कि आई नीड यू, मत जाओ। You're the limit, Rohit. इसमें लिमिट की क्या बात है, जब किसी को कोई पसंद ही नहीं आएगा तो कोई ना कोई बहाने तो मारे गए। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने कह दिया कि आपको देखकर मुझे अपनी खोई हुई बहन याद आ गई। माय गॉड, बेचारी लड़की। बेचारी क्या, अगर मेरी उसके साथ शादी हो जाती ना तो मैं बेचारा हो जाता। यू नो व्हाट, मुझे कुछ अलग टाइप की गर्ल्स पसंद है, बताओ कैसी? इट्स एन ओल्ड ट्रिक रोहित, ट्राई समथिंग न्यू। गुड, एटलीस्ट तुमने मुझे ट्राई करने की परमिशन देकर मेरे दिल में एक उम्मीद तो जगा दी। हैव आई टोल्ड यू आर अ बिग फ्लर्ट? इसमें एक फर्क है, अ बिग फ्लर्ट इज समवन जो हर जगह ट्राई मारता रहता है, एंड अ स्मॉल फ्लर्ट इज समवन जो जिंदगी में एक ही लड़की को पसंद करता है और दिन भर उसी के सपने देखता रहता है। आई बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। टीना, ये राहुल दिखता कैसा है? इंसानों जैसा। सीरियस जवाब देना। मैं सवाल को सीरियसली लेने के मूड में नहीं हूँ। कम ऑन, आई एम लिविंग अ ड्रीम, और इस वक्त मैं सिर्फ एक ही सपना देख और जी सकती हूँ। व्हाट सपना? हम सब का साथ। ये भी तो एक सपने जैसा ही है ना? यू नो हाउ इट फील्स, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना। इस वक्त मैंने तुम तीनों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, और कुछ पाने के लिए मुट्ठी खोली तो पता नहीं कहीं कोई निकल ना जाए। टीना, सपना है, ड्रीम्स ब्रेक, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी से प्यार करेगा, फिर शादी करेगा, मुट्ठी खुल जाएगी, अपने आप रूटीन्स बन जाएंगे। इसका भी एक सलूशन है मेरे पास। What? मैं तुम तीनों से शादी कर लूंगी। झक मार कर तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। टीना। ए पूजा, तुम उसे शादी करेगी? हाँ? बोला। बोला बोला। ओके ओके, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। हाँ, मैं ओम को प्रपोज करती हूँ और तू सोनिया को, देखते हैं उन दोनों का रिएक्शन क्या होता है। हाँ, ओके। कर कर कर। जस्ट वन मिनट। हाँ बोल। वेर आर यू? आई हैव टू से समथिंग इम्पोर्टेंट। इज इट अर्जेंट? मेरी शादी की उम्र तो नहीं निकल रही है ना? नहीं, शाम तक वेट कर सकती हूँ। ओके ओके, सो वी विल स्पीक इन द इवनिंग। हाँ बाय। ओके बाय।
हाँ पूजा। ओम ये टीना, एक ओम आर यू फ्री? टीना वो एक्चुअली मैं सॉरी हाँ, वी'ल डिस्कस इट लेटर, बाय। थैंक्स। पागल है तू। दोनों बिजी है, दोनों ही नहीं आ सकते। स्ट्रेंज ना, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। टीना तुम्हें लगता है सोनिया और रोहित? टीना, टीना क्या हुआ? वो वो आपकी फ्रेंड किधर है? टेल हिम टू गो। अच्छा 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 अच्छा, आपकी नजरों से तो ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे पीछे तो नहीं। भगवान के लिए रुक जाइए। देखिए देखिए, मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी शादी होने वाली है, और मेरी फियांसे को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं स्ट्रेंजर से बात करूं। ओके कोई बात नहीं, रुक जाइए। देखिए देखिए देखिए, मुझे अपने फैंसी का नाम पता नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें बता दूंगा कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। यस हां, लेकिन लेकिन वो इंडिया में है। एक मिनट, मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूं। मैं वहां जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, और अगर उनका मूड ठीक रहा तो उन्हें बता दूंगा कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। हाँ। आप मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं? देखिए, अगर आप साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है तो मेरा पीछा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जस्ट लीव मी अलोन। ओके देखो, मैं बहुत टाइम तक अलोन रहा हूँ, और कहना मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, 25 साल का हो जाने के बाद कभी अकेले मत रहना, किसी लड़की को अपना दिल लौट पर दे देना। और सुनिए, देखिए, हम जानता हूँ ये लड़की है ना, झूठ कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करती, और ये जब भी झूठ कहती है ना, बड़ी क्यूट लगती है, क्यूट। अंकल, आप इस डॉल की तरह डांस कर सकते हैं? मैं नहीं बेटा, मैं नहीं। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज डांस करके दिखाए ना, प्लीज अंकल, अंकल प्लीज। बेटा वो मेरे अंदर बैटरी डालने की जगह नहीं है ना, तो मैं डांस कैसे कर सकता हूँ? प्लीज अंकल। मम्मा आगे बनकर अंकल को शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है। हेलो, बस बस, सिर्फ पैसे कमा कर देने से एक पति की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आई नीडेड यू, सह नीडेड हर फादर। तुम्हारे साथ रहकर अकेले रहने से अच्छा है तुमसे दूर रहकर अकेली जियो। रिश्ता, रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है पवन, अब तो कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई हैं। अंकल चलिए ना, जिन्हें खत्म करने की बात कर रहे हो तुम। यू नीड मसाज, यू नीड मसाज, 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 यू नीड मसाज। थैंक्स। परेशान हो? थोड़ा सा।
You met Shima today? क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को? पता नहीं, इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी. सीम्स लाइक अ बैकवर्ड जर्नी. कुछ कदम पीछे चल रहा हूं शायद. फिर प्यार करने लगे उससे? फिर इट नेवर डाइड पूजा. कुछ दबा हुआ सा था और वो फीलिंग्स लौट कर आ रही हैं. शी हैज प्रॉब्लम्स विद पवन. सीम्स सीरियस. यू नीड हर, शी नीड्स यू. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट नो इफ शी नीड्स मी या नॉट. सारी दुनिया में उसे दुबई ही मिला था जॉब के लिए. शी न्यू यू हियर. सम पीपल जस्ट ट्रस्ट देयर लक अ लॉट, सो शी इज हियर. जानता हूं मैं उसे. वो मेरे साथ सिर्फ 3 साल गुजार पाई है और मैंने उसके साथ 11 साल. कभी कभी हम अपने विश्वास पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं. वी ट्रस्ट आवर बिलीव्स अ लॉट टू हिम. आई से टेक अ चांस विद हर. अ गाय हैज टू मेक द फर्स्ट मूव. And a girl the last. Yeah? Hi, Om. Oh, hi, Rohit. How's it going? Great, yaar. Acha, sun. Boss has just gone out. Shaam ko kuch meeting rakhne ki baat kar rahe the. Agar mere baare mein puche na, to just handle it, yaar. Actually, I promised Sonia that I would come. And I don't want to break the promise. Sambhale na, yaar. Chal, bye. आप देख रहे हैं जी. गुड मशीन के बदले लो नई गुड. हाय, हेलो, हेलो, थैंक यू. कमाल. रोहित के साथ ही तुम? या हाय. हे, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ गाय ही इज? प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. Damn it, I'm talking to you. What? What have I done? Why are you shouting at me? What have you done? Rohit jaise insaan ke saath tum. I know Rohit kaisa hai. Aur waisa to definitely nahi jaisi image tum paint karte aa rahe ho. Jaanti hai kya ho tum uske bare mein, ha? Office ki aisi kaun si ladki hogi jis par usne try na kiya ho? In fact, ek ladki to uski wajah se kaam chhodkar bhi. पूजा, तुम थी उस दिन ऑफिस में. किस दिन? ओम, अरे उस दिन जिस दिन हम ऑफिस में बैठकर टीना के बारे में डिस्कस कर रहे थे. याद करो, एक लड़की थी, वो ऑफिस छोड़कर जा रही थी. यू नो रोहित गॉट हर प्रेग्नेंट एंड दैट बास्टर्ड सिंपली डिच्ड हर. बताओ इसे. ओम, मैंने उस लड़की को देखा था लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं. मैंने कुछ सुना तो नहीं था. लिसन सोनिया, तुम एक ऐसे आदमी के साथ शाम गुजार कर आई हो who thinks that a girl's body is just meant to be used, and you're asking me what have I done? What the hell do you mean by that? You think I went there just to sleep with him? You think I'm that desperate, Om? I didn't say that. But you meant it. I know what I'm doing, Om, okay? And I don't want to listen to any more about it from a person who hasn't the slightest understanding about relationships. What? And least of all about respect for a girl's dignity. I don't know what relationships are. I don't know what a girl's dignity is. जानते होते ना, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते ओम. मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहा हूँ. Rohit is not the man for your life. Forget life. He's not even a man you should spend an evening with. He has no morals. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. ओम, control yourself. Tina, please. ओम, यही बात ठीक से भी समझाई जा सकती है. अरे कोई समझने को तैयार हो तब ना. और तुम मुझसे बात कर रही हो. तुम didn't you know यहाँ पे क्या चल रहा है? कहाँ थी तुम? ओम, enough. It is not enough. It is not enough. अगर तुम्हें जरा भी परवाह होती इसकी तो रोकती तुम इसे. तो अब जागी है तुम्हारी इसके लिए केयरिंग, हाँ? तब कहाँ थे जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी? और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे परवाह नहीं है और तुम? Stop, please stop. नहीं पूजा, अब कोई स्टॉप नहीं. लेट मी स्पीक. शमा के अलावा और कुछ जानने का वक्त निकाला तुमने?
एंड व्हाट मोरालिटी आर यू टॉकिंग अबाउट हां एक शादीशुदा औरत से तुम मिल रहे हो उसकी तकलीफ को देखकर तुम परेशान हो रहे हो उसके अपने पति से नहीं बन रही है तो उन वीक मोमेंट्स का सहारा लेकर तुम अपने दबे हुए इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो एंड यू ऑफ ऑल द पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी टीना आई नेवर सेड दैट होम इज ट्राइंग टू डू सो हाउ कैन यू इनफ पूजा एंड थैंक्स अ लॉट ओम आई पूजा यू डोंट हैव टू प्लीड इन फ्रंट ऑफ हिम आज तक हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम इसकी कोई बात हमसे छुपाओगी या आई शुड हैव गेस्ड दैट देखो सोनिया मेरा काम था तुम्हें समझाने की कोशिश करना आगे तुम भाड़ में जाओ माइंड योर टंग ओके यू माइंड योर स्टेप्स खलिश दिल की क्या से क्या कर गई खुशियों की आंख में बारिशें भर गई लोग अपनों से भी बेखबर हो गए खुशबुएं छूने के शौक में खो गए खुशबुएं छूने के शौक में खो गए पाके जुगनू जरा रोशनी के लिए दिल तरसता है अब जिंदगी के लिए फूलों के जो नर्म साए मिले अपनों की शक्लों जो पराए मिले सुर्ख फूलों के जो नर्म साए मिले अपनों की शक्लों जो पराए मिले इनके पीछे जरा सोच के भागिए कच्चे रंगों की गए तितलियां देखिए कच्चे रंगों की है तितलियां देखिए एक पल ही मिला था खुशी के लिए दिल तरसता है अब जिंदगी के लिए एक ख्वाहिश में थी सैकड़ों आंधियां पल में बिखरी सभी रिश्तों के आशियां एक ख्वाहिश में थी सैकड़ों आंधियां पल में बिखरी सभी रिश्तों के आशियां प्यासे लब का यही सबको हासिल मिला चुस्त जो दरिया थी खुश्क साहिल मिला चुस्त जो दरिया थी खुश्क साहिल मिला खोके नींदे किसी अजनबी के लिए दिल तरसता है अब जिंदगी के लिए
तुम्हें पसंद है ना? You still remember? Of course I remember. From Chole to your favorite Dio, everything. You know, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं पर उन रिश्तों की यादें कभी खत्म नहीं होती और हमें उन्हें खत्म ही नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उन्हीं यादों से हमारी जिंदगी के तार जुड़े होते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं। घर के बारे में सोच रहा था। घर पे सब बारी बारी खाना बनाते हैं, आज मेरी बारी थी। यू नो, तुमने उन सबके साथ इतना वक्त गुजारा है, गलती चाहे किसी की भी हो, इन रिश्तों को कभी खत्म मत होने देना। मैं सबके लिए खाना पैक करती हूँ, ओके? पूजा, कहाँ हो सब? Where are you? Pooja and me are having lunch and Sonia has gone out with Rohit. और मैं यहाँ सबके लिए, it's Friday, Tina. बहुत late calendar देखा तुमने ओम। Isn't it? Yeah, you're right. यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ये। And the best part is, यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं आते। तन्हाई मुझे बहुत पसंद है। अरे, ये क्या कर रही हो? नंगे पांव रेत में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा। It's like a dream. ये खूबसूरत जगह, ये खामोशी और तुम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी अचानक इतनी बदल जाएगी। इट फील्स नाइस, द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। थैंक यू सोनिया, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फीलिंग। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं पूरी तरह। रोहित प्लीज, रोहित कंट्रोल प्लीज, रोहित 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 प्लीज, रोहित नहीं, रोहित 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 नहीं, कंट्रोल प्लीज, रोहित रोहित कंट्रोल योरसेल्फ, रोहित। आई वांट टू लीव राइट नाउ। सोनिया, मेरी बात तो सुनो सोनिया। कम ऑन सोनिया, आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड, आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। लिसन सोनिया प्लीज यार, आई एम रियली सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे सोनिया, I'm really sorry. मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। You like me? It's not that I don't like you, but not so soon. मेरी भी कुछ संस्कार हैं, कुछ बंधन हैं। I need some more time, Rohit. You know what, Sonia? आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई है। मैंने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं, लेकिन खूबसूरत शक्ल के साथ खूबसूरत ख्याल भी, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। आई वेट, नो प्रॉब्लम, आई वेट फॉर द डे जब करीब आने पर तुम्हें नाराजगी ना हो। बहुत लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा ना? स्टूपिड। कम ना, come quickly, come 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 na, come come sit here. अरे यार, बात क्या है? पहले आंखें तो बंद करो ना, तुम भी आंखें बंद करो। Come on Tina, बोला यार, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? Okay okay okay, बड़ों जैसी हरकतें करती है। Tina please. Dun dun dun, presenting 31st night के the glittering night के चार passes, sponsored by the great Pooja and Tina with lots of wine and food. Yum yum, मस्ती। ए पूजा, हाँ,
तू मेरा गाउन आयरन करेगी ना? नो नो इनफ अब की बार बिल्कुल नहीं। मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। टेरेस इज अ बेटर ऑप्शन। क्या? या मैं पॉइजन खा लूंगी। हां खा ले। टीना पूजा आई एम रियली सॉरी। आई हैव ऑलरेडी मेड प्लान्स विद शमा। व्हाट डिड यू से ओम? हाउ कैन यू ओम? दैट हैज बीन अ नाइट व्हिच वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। कम आउट में हम सब साथ रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैड प्रॉब्लम्स विद सोनिया। ओके ओके सोनिया इसे कह हमारे साथ आने को। टीना सोनिया प्लीज से इट। आई हैव अ डेट विद रोहित। पूजा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आई अंडरस्टैंड हूँ। आई डू। लाइफ हैज टू मूव ऑन। एवरीवन हैज अ राइट टू मूव ऑन। आई अंडरस्टैंड। Had a great time and I'd never be able to find you again. Well, if we're meant to meet again, then we'll meet again. It's just not the right time now. Maybe we were supposed to meet on British time. We're 5 hours too early. Come on. I don't even know your name. My name is Jonathan. Does that make you want to tell me something? Yeah, it does. Merry Christmas, Jonathan. And thanks. Ah! मत करो तुम लोग कुछ। अगर करण से मर गई ना तो तुम तीनों की जिंदगी में भूत बनकर घूमूंगी मैं। अभी कौन सी भूत से कम है तू। सॉरी। अच्छा सुन शारजा में घर चलेगा? छी शारजा इतनी दूर आने जाने में जिंदगी निकल जाएगी। हाँ तेरे ससुराल के लिए नहीं हमारे नए घर के लिए पूछ रही हूँ। आर यू सीरियस? यस डॉल ओम इज सीरियस सोनिया इज सीरियस एंड वी बोथ बेटर बी सीरियस। वी टू कैन नॉट अफोर्ड सच अ बिग हाउस। टीना हाँ कमिंग। थैंक यू ओम। थैंक यू। कैसी है? अच्छी हूँ। क्यों? तू नहीं यार ड्रेस स्टूपिड। ओह सुपर्ब। लेकिन पता नहीं फंक्शनल है या नहीं। क्यों? इमेजिन आफ्टर सिक्स पैक्स डाउन एट 3 in the morning द म्यूजिक हैज जस्ट स्टॉप्ड। एक लड़का और एक लड़की नया साल। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है। कम ऑन टीना। लड़का आगे बढ़ता है। उसकी सांसों में शैंपेन की खुशबू और आंखों में स्कॉच की गर्मी। आई नो इट्स नॉट द राइट कॉकटेल बट एनीवेज वो लड़की के और करीब जाता है और कुछ कुछ करने लगता है। टीना यू वांट मी टू स्लैप यू? और वो कहता है ये जिप किस गधी ने बंद किया था खुलता ही नहीं है। अरे ओ गॉड पूजा। अरे क्या कर रही हो? दूसरी बार ट्रिप हुआ है फ्यूज उड़ जाएगा। थैंक्स टीना। वाओ तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। मुझसे कह दिया होता मैं कर देता। आई डिडंट वांट टू। यू डिडंट वांट टू व्हाट? ओम आज उसे सब कुछ कह दो। सब कुछ हो सब कुछ ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जो दिल में है वो आज होठों तक आ ही जाने दो।
जो बात कही नहीं इन आंखों ने उन्हें आज कह ही जाने दो। बीते हुए साल को मारिए गोली, नए साल की होगी एकदम नई बोली। This is Pooja at 8. Only love, don't hate. Good night, shubh khair, and have a wonderful new year. So, you're having a good time? Thank you. You made my day. Now you make it a memorable night for me, huh? Just joking. मम्मा देखो अंकल आए। ओम ये है पवन। हाय। मेरे हस्बैंड। पवन ये है ओम, मेरे कॉलेज का साथी। ओ हाय ओम, हाउ आर यू? हाय पवन। दिस इज सो ग्रेट, यू आर सो लकी। पुराने दोस्त मिलते कहाँ हैं आजकल? आई नो। पापा मेरे रूम में भी लाइट्स लगाइए ना। जरूर लगाएंगे बेटे। कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो कम ऑन लेट्स गो। ओ एक्सक्यूज मी ओम, मैं जरा लाइट लगा कर आता हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मैं अभी आया। कम ऑन कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो कम ऑन। So, न्यू ईयर न्यू बिगिनिंग। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था, वो मेरा फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का, तो बट थैंक गॉड पवन हैज अराइव्ड। अब तो तुम्हें सॉरी कहने की भी जरूरत नहीं है। बाय शमा, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. So friends, this is the moment we all have been waiting for. दोस्तों, आज की इस हसीन शाम में हम सब कुछ ऐसा कर जाएं कि ये शाम हम सब की लाइफ की द मोस्ट हैपनिंग और एक मेमोरेबल शाम बन जाए। दोस्तों एक शेर अर्ज है, क्षमा है और शराब है, क्षमा है और शराब है, समा भी लाजवाब है। अजी दोष क्या देते हो परवानों को, आजकल तो सारा जमाना खराब है। फ्रेंड्स, जिंदगी एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, एडवेंचर्स का नाम है। तो आइए हम तलाश करते हैं एक साथी की आज की इस शाम के लिए कुछ हसीन और कुछ एडवेंचरस लम्हों की। तो आइए आज हम सब मिलकर तलाश करेंगे एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए एक नया साथी। Come on man! Wow! Yes! I want three cheers for that! Hey you dashing guys! आप सब लोगों के नामों की चिट्ठी इस बाउल में डाली जा चुकी है और मैं देख रहा हूं कि इस महफिल में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हैं। ड्रीम गर्ल्स, ब्यूटीफुल लेडीज, This is the moment of your life. अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा मौका। Okay friends, so every beautiful girl around here in the party, she will come up on the stage and she will pick a chit from that bowl. और उस चिट पर जिस खुशनसीब आदमी का नाम होगा, he'll be the partner of that lady for the entire night. Yeah! So guys, hold your breath. देखते हैं कि कौन खुशनसीब आज की शाम गुजारने वाला है केट के साथ, एलिना के साथ, ओ माय गॉड या रिनी के साथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द फर्स्ट लकी गर्ल ऑफ द इवनिंग एंड हर नेम इज केट। कम ऑन केट ऑन द स्टेज। ओके केट, पिक अप अ चिट। Now let me read the lucky name. And the lucky guy is Abhishek. Ruth, let's leave. Come on, Sonia. Why? Why? What do you mean, why? Be a sport, yeah. Come on. And now about the next girl. If this is your idea of a happening night, I'm leaving.
Hey Sonia, listen yaar. What is this rubbish? कहाँ लेके आ गए तू मुझे? थोड़ी देर रुक जाते हैं ना. Nothing doing. We have to leave. Are you coming? Try and understand, I'm please. I'm leaving. That's it. Listen. Rini, Rini on the dice. 3 cheers for Rini. Let's go, Rohit. Let's go, Rohit. Let's see who is the lucky guy. Oh my God, it's me. No, the name is Rohit. Rohit, let's go, please. Come on, Rohit. Where are you? Rohit, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्लीज यहाँ स्टेज पर आइए. रिनी आपका इंतजार कर रही है. रोहित, लेट्स गो प्लीज. लेकिन सोनिया, तुम्हारे साथ तो और भी रातें मिल जाएंगी, लेकिन ये रात फिर नहीं आएगी. रोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस ब्यूटीफुल लेडी इज वेटिंग फॉर यू. आई एम हियर. मिस्टर रोहित, एक्सक्यूज मी, आई एम हियर. वाओ, 3 cheers फॉर रोहित. कम ऑन द डाइस मैन, कम ऑन द डाइस. Hi! Congratulations, Rohit. And ladies and gentlemen, the next lucky girl is... चलती थी तो लगता था कि आसमान में उड़ रही हूँ तुम तीनों के साथ. दुबई की तेज सड़कों पर भागती तेज गाड़ियाँ, तेज तेज जिंदगी. मुझे मालूम था हम सब खुश थे, सचमुच में खुश. और फिर सब कुछ बदल गया. इस पराए देश में सब कुछ पराया पराया सा लगने लगा. हम अलग हो गए. किसकी गलती थी, किसकी नहीं, पता नहीं. क्या पता नहीं, जैसे हम कोई खेल खेल रहे हो और किसी ने कह दिया हो कि स्टॉप जिंदगी, स्टॉप रफ्तार, स्टॉप खुशियां, स्टॉप स्टॉप सब स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तुझे वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है, या मैंने कुछ ज्यादा पी लिया है? दिख तो मुझे भी रहा है कुछ. ए टीना, हाँ, ये सपना तो नहीं है ना? ई, क्या कर रही है? ये सपना नहीं है. अच्छा टीना, हाँ, चल छू के देख लेते. हाँ, सपना टूटे तो ठीक है. हाँ, कहीं बाद में दिल ना टूटे यार. हाँ. Hey, is that
What? New Year's! There's still time we can celebrate together! Yes! Together! चलो कहीं चलते हैं दुबई से बाहर तीन चार दिनों के लिए Yes, we can. Let's pack our bags. Let's pack our bags and go. Oh my God, not again. क्या हुआ? Doorknob टूट गया. क्या? Doorknob फिर से टूट गया. Oh no. मारे गई यार. पूजा भी पिछले जन्म में कोई कारपेंटर रही होगी. जब रूम में घुसती है तो यार डोर नॉब निकाल लेती है. गया प्लान हाथ से. अब पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी यार. कोई सुबह नहीं होगी. इट्स टाइम टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फ्रेंडशिप. पूजा पीछे से हट जाओ, हम आ रहे हैं अंदर. ओके ओके रेडी. ओके 1 2 3 मिलाने दो न करो हम स्टॉप. दिलों को चुराने दो न करो हम स्टॉप. यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्ती में झूमेंगे. यहाँ वहाँ घूमेंगे मस्ती में झूमेंगे. हम तो दीवाने हैं. आंखें मिलाने दो न करो हम स्टॉप. दिलों को चुराने दो. हम तो यारा चल पड़े हैं. दुनिया वाले तो खड़े हैं. इनको पीछे छोड़ देंगे. सारे सिग्नल तोड़ देंगे अब ना होंगे. आंखें मिलाने दो न करो हम स्टॉप. दिलों को चुराने दो न करो हम स्टॉप. चोरी मिलने दो. घर से निकलने दो. चैन से तो रहने दो. दिल की बात कहने दो. चोरी चोरी मिलने दो. घर से